नमस्कार, एनडीआरआई करनाल किसान मेले में आप सबका स्वागत है। हम आए हैं एनडीआरआई की स्टॉल पे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर नरेश सेलोकर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो हमें क्लोनिंग के बारे में बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर नरेश सेलोकर है। हम जो है एनडीआरआई के अंदर वैज्ञानिक है और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पशु क्लोनिंग के ऊपर काम कर रहा है। अभी आपने सुना होगा गंगा का नाम जो है, ये भारत की प्रथम गिर गाय की क्लोन की बछड़ी है। ये इसका हमने किस तरह से किया गया, ये हमें क्लोनिंग के थ्रू जो अच्छे नस्ल के पशु है उसको पैदावार करना था, तो ओपीयू आईएफ से हमने साहिवाल के अंडे निकाले। अंडे निकालने के बाद आपको मैं प्रक्रिया दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये प्रक्रिया में आप देखते हैं कि ये ओपीयू से साहिवाल के जो है अंडे निकाले। अंडे निकालने के बाद, अंडे जब निकाले गए तो इसका जो है ये डीएनए होता है केंद्रक, इसको निकाल दिया गया। उसके निकालने के बाद हमें जिस पशु का क्लोन करना है उसका जो है, जैसे हमें गिर का क्लोन करना था, हमने गिर गाय के कोशिका से जो है ये सेल कल्चर किए। जब वो सेल कल्चर हो गए और यहाँ से हमें ओपीयू से अंडे आ गए, यहाँ पे आप साहिवाल भी ले सकते हो, थारकार पर भी ले सकते हो, कोई भी गाय की पशु ले सकते हो। फिर उसके अंडे निकालने के बाद इसका केंद्रक निकाल दिया गया, डीएनए निकाला। फिर इस कोशिका जो हमारे पास गिर गाय के है उसके जो है सेल को फ्यूज किया गया। फिर ये भ्रूणों को लेबोरेटरी के अंदर इस ब्लास्टोसिस स्टेज में लाया गया। उसके बाद इस भ्रूणों को क्रॉसब्रेड गाय में डाला गया और फिर 9 महीने बाद जो है ये अभी भारत की प्रथम गिर गाय की क्लोन की बछड़ी है। 16 मार्च 2023 में हुई है। अभी हमारा संशोधन इस पे चल रहा है और आने वाले समय में हम इसको और इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छी नस्ल के पशु जो है वो पैदावार होगी। उससे ये होगा कि जो हमारे पशु है उसमें गुणवत्ता में सुधार होगा और आने वाले समय में इस तरह के पशु बनाएंगे जो डिजीज से रेजिस्टेंस होंगे या क्लाइमेट को जो है वो सेंसिटिव नहीं होंगे। तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छी तकनीक होगी। जैसे अभी भारत सरकार ने ओपीयू आईएफ को जो है काफी सारी 30 लेबोरेटरी भारत के अंदर तैयार की है जिससे भ्रूण बना के जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा संस्थान इस कार्य के ऊपर कार्यरत है और आने वाले समय में गायों के अंदर हम और काम करेंगे। मेरे साथी हैं डॉक्टर मनोज, जो भैंस क्लोनिंग जो है हमारी संस्थान पिछले 10-12 साल से जो कर रही है उसके बारे में उसकी जानकारी देंगे। डॉक्टर मनोज नमस्कार। तो हम यहाँ पर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बता रहे हैं आपको। इसमें हम अच्छे से अच्छे जो हमारे भैंस हैं उसको हम पैदा कर सकते हैं। तो इस विधि में हम जो है जिस भी एनिमल का क्लोन करना होता है, जो कि अगर मेल है बहुत अच्छा सीमेन देता है या जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, उसका हूबहू कॉपी बना सकते हैं। हम छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं, उसको लैब में संवर्धन करके स्लॉटर हाउस से प्राप्त उस साइट को जिसमें कि डीएनए होता है उसको निकाल देते हैं और उसका फ्यूजन करके इम्ब्रियो बनाते हैं। ये इम्ब्रियो 7 दिन तक हम लैब में कल्चर करते हैं, उसके बाद इस इम्ब्रियो को आया या सरोगेट एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि गर्भाधान की अवस्था पूरा करने पर जो भैंसों में 10 महीने की होती है उसके बाद एक काफ को जन्म देती है। तो ये जो बछड़ा जो कटोरा पैदा होगा वो जिस एनिमल से हमने सेल लिया है, हमने कोशिकाएं ली, सेम हू बहू उसी की जियोस्कोपी होगी। तो इस तकनीकी से हम जो हमारे किसान भाइयों के पास अच्छे नस्ल के जो बहुत अधिक दूध देने वाली फीमेल हैं या बहुत अच्छे बीज देने वाले सांड हैं उनकी हम कई कॉपी बना सकते हैं। तो इस विधि से हम एक एनिमल की कई कॉपी बना सकते हैं और आज हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज हमने जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बफेलो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें जो अच्छे क्वालिटी के टॉप रैंक बुल हैं उनके भी हमने क्लोन पैदा किए हैं। तो इनका हमने जब क्लोन पैदा किया तो इनका डीएनए सेम टू सेम है और इनका भी परफॉर्मेंस वैसा ही होगा। तो इस तरह जो हमारे पास एक बुल था, फ्यूचर में हम उसके कई सारे बुल बना सकते हैं और उनसे जो सीमेन होगा उससे हम किसान भाइयों को दे सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होगा। आपको मालूम है आज हमारे देश में अच्छे क्वालिटी के सीमेन की बहुत कमी है, तो ये टेक्नोलॉजी भविष्य में अच्छे सीमेन किसानों को देगी जिससे अच्छे नस्ल के हमारे दुधारू पशु पैदा होंगे और देश के दूध प्रोडक्शन में फायदा होगा। तो अभी हमारे संस्थान में कई सारे 8 क्लोन बुल हैं, साथ ही साथ हम फीमेल के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारी जो पहली फीमेल थी जो आज के दिन में 7 बच्चे दे चुकी है और ये नॉर्मल है। तो हमारा संस्थान पिछले 20 सालों से क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। तो ये हमने जो फीमेल पैदा की थी तो ये एक फीमेल है जिसका नाम समरूपा है और ये अभी 4th ब्यांत में है और ये इसका पी केल अभी 17 लीटर पर डे है और ये हूबहू जो आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हमने अच्छे एनिमल पैदा किए। तो भविष्य में हम इसकी कई सारी कॉपी पैदा कर सकते हैं। जो IVF टेक्नोलॉजी है उसमें हम मेल और फीमेल दोनों को लेते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि 50% कैरेक्टर जो बुल होता है उसका आता है, 50% कैरेक्टर मदर का आता है। इस टेक्नोलॉजी में जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है उसमें 100% कैरेक्टर उसी का आएगा जिसका हम क्लोन करना चाहते हैं, जिस पशु को हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें 50-50% आता है, इसमें 100% सेम टू सेम वही होता है। ये भैंस अभी चौथी ब्यांत में है, इसके पहले 3 ब्यांत सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ही पीस लेते हैं, थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। इसमें हम ऐसे भी सैंपल में डायग्नोसिस के लिए लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, ये अभी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, तो इसमें अभी भी है कि हमारी जो प्रेगनेंसी रेट है कम है, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये सब भी हम ये आज के दिन में हमारे पास बुल अवेलेबल हैं, सीमेन अवेलेबल है, तो जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करके ले सकते हैं। कृषि हेल्पलाइन में डॉक्टर मनोज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि क्लोनिंग के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों के साथ साझा की है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मनोज। थैंक यू।